Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भारत माता की, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। साथियों, मैं जानता हूं आप सबके बीच, मैं जानता हूं आप सब लोग आज बहुत खुश हैं। खुश इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी वालों को जंतर मंतर पर आके बहुत खुशी मिलती है हमेशा। जब जब थोड़ी बहुत बैटरी में चार्ज कम होता है, हम लोग हम जंतर मंतर पर आ जाते हैं और चार्ज होके जाते हैं। तो आज हम चार्ज होने आए हैं जंतर मंतर पर, अपनी स्थिति को और चार्जिंग के साथ मजबूत करने आए हैं। बहुत खुश है, मैं देख रहा था लोगों का अभी सर आपके आने से पहले, सब लोग बहुत खुश हैं, यहाँ जोश में हैं, उमंग में हैं, उत्साह में भरे हुए हैं सब लोग, क्योंकि उनके बीच उनके नेता अरविंद केजरीवाल जी आ गए हैं। लोग बहुत खुश हैं कि अरविंद केजरीवाल जी उनके बीच में हैं। थोड़ी बहुत मायूसी है इस बात की कि अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन सीएम नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, इसका थोड़ा सा दुख है। लेकिन फिर भी लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि चलो, मुख्यमंत्री की बात तो अब तीन चार महीने की बात है, तीन चार महीने बाद फिर से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन खुशी इस बात की है कि तानाशाह की जेलों को तोड़ के, उनके तालों को तोड़ के, भ्रष्टाचार के काल केजरीवाल हमारे बीच में आ गए हैं, हम सबके बीच में आ गए हैं फिर से। सब लोग इस बात से बहुत खुश हैं। मैं 17 महीने जेल में था, जब मैं बाहर आया तो अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी हुई इस बात की तब जब केजरीवाल जी बाहर आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया झूठा केस है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि यह केस में जब ट्रायल शुरू होगा तो दो सवाल नहीं झेल पाएगा, यह केस दो सवाल में फ्लैट हो जाएगा। यह मैं नहीं कह रहा, आज देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केजरीवाल जी के ऊपर, मेरे ऊपर, संजय भाई के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों के बारे में जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह केस आपका दो सवाल नहीं झेल पाएगा। इतनी झूठ की कहानी आप लोगों ने लिखी हुई है। क्या किया इन लोगों ने? इन्होंने मेरा सब कुछ छान मारा, सर का सब कुछ छान मारा, घर द्वार सब खगोल डाला, कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो इन्होंने क्या चाल रची कि कुछ लोगों को, दो चार लोगों को अंदर पकड़ पकड़ के जेल में डाला, उनको बोला कि देखो बाहर आना चाहते हो तो अरविंद जी के खिलाफ बयान दे दो, नहीं तो जेल में सड़ा सड़ा के मार डालेंगे। उनमें से किसी एक आध आदमी ने कोई झूठा बयान दे दिया, उस झूठे बयान के आधार पर मुझको, संजय सिंह को और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इन बयानों से कुछ नहीं होता है, ये तो जब ट्रायल चलेगा तो 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे, दो सवाल नहीं झेल पाएगा तुम्हारा।